आज की वृंदावन बिहारी लाल की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। बंद हूँ गुरु पद पदम परागा सुरचे सुबास सरस अनुरागा राम सिया राम बोलो राम रे राम ए राम सिया राम बोलो। अमी अमूरे मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारु राम सिया राम बोलो राम रे रे राम ए राम सिया राम बोलो। जनक सोता जग जनने जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान के राम सिया राम बोलो राम रे रे राम राम सिया राम बोलो। ताके योग पद कमल मनावो जा शुक्र पा निर्मल मति पावो सत्य सनातन धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। तुम्हारे अंदर यह भय बैठा है कि मुझे सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन परीक्षित दिन सात ही हैं, इन्हीं सात दिन में प्राणी जन्म लेता है और इन्हीं सात दिन में मरण होता है। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? धनवान है वो या बलवान है वो? लेकिन सही बात यह है कि जब कलयुग में ये द्वय बड़े माने, जेब में पैसा ज्यादा होए और शरीर में बल ज्यादा हो, लेकिन हमारे विद्वानों ने इन दोनों में से बड़ा किसी को नहीं माना। नहीं माना, बड़ा माना तो माना किसे? ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड में। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मही मंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता
हमारे विद्वानों ने सबसे बड़ा उसे माना है जिसका मन भगवान राम की भक्ति में लगा हुआ है, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है वो बड़ा है, न धनवान बड़ा है न बलवान बड़ा है। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंध के अंत में यह पृथ्वी बखान करती है, जिस धरती पे हम और आप रह रहे हैं, यह धरती बखान करती है कि कलयुग में जाकर के मेरे टुकड़े हो जाएंगे, कोई 50 बीघा का मालिक बनेगा, कोई 100 बीघा का मालिक बनेगा, कोई 200 बीघा का मालिक बनेगा। तो उस समय कलयुग में 100 बीघा और 200 बीघा के मालिक छाती ठोंक करके कहेंगे कि हम 100 बीघा धरती के मालिक हैं। तो पृथ्वी कहती है कि मुझे हंसी आती है, तब हंसी क्यों आती है कि पृथ्वी कहती है कि मैंने बेऊ पुरुष देखे हैं, जो सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था ता सबरी धरती के मालिक थे, लेकिन बे नारे मैं बे यू। धरती कहती है कि जो संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे वो नहीं रहे, मैं बे यू। तो पृथ्वी कहती है इस कलयुग के लिए मैं संदेश करती हूं कि जब पूरी पृथ्वी के स्वामी नहीं रहे तो तुम 100 बीघा वाले का रहोगे। ध्यान रखना, इस धरती पे केवल जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान की कथा काम क्या करती है इस कलयुग में, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या, राम कथा सुंदर करता री रूपी पक्षी उड़ जाता है। भगवान की कथा श्रवण करने से संसार रूपी पक्षी उड़ जाता है और इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। श्रोता बंधु, लेकिन भगवान की कथा मिलती के नहीं है, जब तक ईश्वर की अनुकंपा ऊपर नहीं होती तब तक कथा सुनवे ना मिलते। विचार करके देखना, तुम्हारे ग्राम कुरीना में ऐसे भी महापुरुष इस समय मिल जाएंगे कि रोटी खा के सो रहे होंगे, और उनसे कह दो कि तुम सो रहे हो तो ऐसे मंदिर पे ही बैठ जाओ, जहां का कर रहे हो। तो का कहते हैं, भैया का बताएं, कल गए तो हते पर कछु हमारी समझ में आई ना है। आती क्यों नहीं? ये हमारे विद्वानों का मत है कि जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं होती बाकी राम की कथा समझ में नहीं आती, नहीं आते। लिखा है श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुधर